में लक्ष्मी खाना खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज श्री राम जी की जन्म भूमि का मोदी जी ने भूमि पूजन करा, उसके उपलक्ष्य में देखिए होना है तो हम घर में ही लड्डू बना रहे हैं। देखिए ये बेसन है एक बड़ा बाउल और ये 2 चम्मच ये वाली सूजी है। देखिए इसको हम भूनेंगे मीडियम स्लो गैस पे। देखिए बेसन मेरा काफ़ी भुन गया है, खुशबू आ रही है इसमें से। गैस को कम करके देखिए 2 बड़े चम्मच इसमें देसी घी डाल रही हूँ मैं और इसको 5 मिनट के लिए और भूनूंगी, गैस को तेज कर दूंगी। देखिए देखिए बेसन हमने पहले भी छान के लिया था और देखिए इसको भूनते भूनते हल्की हल्की इसमें दली सी आ जाती है डेलियाँ, उसको हम पानी से ऐसे कर देंगे। और देखिए इसमें अब हल्का हल्का हम इस तरीके से पानी डालेंगे और भूनते जाएंगे। देखिए फिर थोड़ा छींटे मारेंगे। देखिए देखिए एकदम बेसन इसमें करारा हो जाता है और एकदम कुरकुरा सा हो जाएगा भूनते भूनते। देखिए देखिए इस तरीके से अभी 2 मिनट के लिए और भूनेंगे, बराबर चलाते रहेंगे, नीचे लगे ना। देखिए देखिए बेसन मेरा भुन के तैयार हो गया। देखिए आप इसका कलर भुन, अब मैं गैस को बंद करती हूँ। बेसन मेरा भुन के तैयार है, अगर थोड़ी कोई गांठें हैं तो हम इसको ऐसे करके तोड़ लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि लड्डू किस तरीके से बनेंगे। देखिए बेसन मेरा ठंडा हो गया है, मतलब ऐसा है कि हम हाथ से इसको छू सकते हैं। ये देखिए जो हम बाद में पानी डालते हैं छींटा मारते हैं उसमें दाना पड़ जाता है, बहुत ही बढ़िया लड्डू बनता है। देखिए ये बूरा है, चीनी है, आप घर में पीस के रखिए। ये मैं 1.5 गुना ये मैंने इसमें, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं 1.5 गुना इसमें चीनी पीसी हुई डाल रही हूँ और इसको मिलाते हैं अच्छे से। देखिए मिला के मैं लड्डू बना के दिखाऊँगी आपको। देखिए इस तरीके से लड्डू मेरे बनके तैयार हो रहे हैं, एक और दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए इस तरीके से हल्के हाथ से, देखिए आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाले। देखिए इसमें आप काजू बादाम खरबूजे की गिरी इस तरीके से बनाइए और इसको ऐसे कीजिए। देखिए लड्डू फटाफट बनके तैयार है। देखिए हल्का हल्का गर्म है, बिल्कुल ज़्यादा गर्म भी नहीं रखेंगे और ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखेंगे। देखिए हल्के हाथ से इस तरीके से, देखिए और दबाने के बाद आप इसको इस तरीके से कर दीजिए, छोटे बड़े जो साइज आप चाहें बना सकते हैं। इस तरीके से घुमाइए। देखिए अभी मैं आपको थोड़ा छोटा भी बना के दिखाऊंगी। देखिए इस तरीके से आप छोटा भी बना सकती हैं। देखिए बच्चे छोटा पसंद करते हैं, छोटा छोटा दीजिए आप उनको बना के। देखिए बहुत आराम से बनते हैं, शुद्ध और साफ। आज तो विशेष दिन है। देखिए इस तरीके से आप घुमाइए गोल गोल। अभी देखिए आपको मैं सारे लड्डू बना के तैयार करके दिखाती हूँ। देखिए देखिए लड्डू मेरे बन के तैयार हो गए हैं और आज हमारा सपना पूरा हुआ है। 500 साल से मंदिर का मुद्दा चल रहा था, आज मोदी जी के कर कमलों से भूमि पूजन हुआ है। इस उपलक्ष्य में मैंने लड्डू बनाए हैं। देखिए सभी घर के भी और थोड़ा पड़ोस में भी सबको दूंगी और भोग लगाऊंगी श्री राम जी का। और देखिए लड्डू मेरे बहुत बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। देखिए मैंने आपको बताया था मैंने 1.5 गुना बूरा डालिए तो उसमें से ये मैंने बचा लिए। आप कम ज़्यादा, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कम कर सकते हैं आप, ये मैंने बचा लिया। लड्डू मेरे बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुए। देखिए आज शाम को दीप महोत्सव भी होगा। एक दिवाली जब हुई थी जब श्री राम जी आए थे वनवास से, एक दिवाली देखिए आज होगी। लड्डू मेरे बन के बहुत बढ़िया तैयार हुए, आप भी बनाइए घर में। ये छोटे बड़े 15-16 लड्डू मेरे बन के तैयार हुए हैं।
30 से 35 मिनट लगे मुझे इसे बनाने में। और लड्डू मेरा बहुत ही, देखिए मार्केट वाले तो इसमें कलर डालते हैं, मैंने कलर नहीं डाला है। और आज शाम को दिवाली होगी, सब लोग अपना मुंह मीठा करेंगे, आप भी बनाइए अपने घर में, फटाफट तैयार होते हैं। 500 साल बाद पुराना पहला हमारा प्रयास सफल हुआ है आज, और आज दिवाली होगी, घर घर में दिए जलेंगे, आप भी जलाइए। देखिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।